पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार यानी आज 6 अगस्त 2019 को निधन हो गया। उन्होंने एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। सूत्रों के मुताबिक सुषमा स्वराज का मंगलवार 6 अगस्त 2019 को शाम दिल का दौरा पड़ा था और वो अचेत होकर गिर पड़ी, जिसके बाद उन्हें एम्स की इमरजेंसी में लाया गया और देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। सुषमा स्वराज लंबे समय से किडनी की समस्या से पीड़ित थी। 2016 में उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी कराया गया था, लेकिन इसके बाद से ही उनके स्वास्थ्य में लगातार गिरावट आती रही। सुषमा स्वराज का जन्म 14 फरवरी 1952 को हरदेव शर्मा और लक्ष्मी देवी के यहाँ अम्बाला छावनी में हुआ था। इनके पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। सुषमा स्वराज के राजनीति विज्ञान और संस्कृत जैसे अम्बाला छावनी के SD कॉलेज में ग्रेजुएशन की थी। 1970 में सुषमा स्वराज को अम्बाला छावनी के SD कॉलेज में बेस्ट स्टूडेंट भी चुना गया था। इसके बाद सुषमा स्वराज ने चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के कानून विभाग से LLB की डिग्री हासिल की थी। 1970 में उन्हें मात्र 25 वर्ष की उम्र में राज्य की कैबिनेट मंत्री बनाया गया था और 27 वर्ष की उम्र वो राज्य जनता पार्टी के प्रमुख बन गई थी। सुषमा स्वराज ने 1973 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। उनका राजनीतिक करियर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ शुरू हुआ था। वह छात्र जीवन से ही प्रखर वक्ता रही। सुषमा स्वराज ने आपातकाल के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाई थी। जुलाई 1977 में उन्होंने चौधरी देवीलाल की कैबिनेट में मंत्री बनाया गया था। 27 वर्ष की उम्र में वह 1979 में जनता पार्टी हरियाणा की अध्यक्ष बन गई थी। सुषमा स्वराज अप्रैल 1990 में सांसद बनी और 1990 से 1996 तक राज्यसभा सांसद रही। 1996 में वो 11वीं लोकसभा के लिए चुनी गई। अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री बनी। 12वीं लोकसभा के लिए वह फिर दक्षिण दिल्ली से चुनी गई और दोबारा उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा दूसरे दूरसंचार मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। अक्टूबर 1998 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बाद में जब विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई तो वो राष्ट्रीय राजनीति में लौट आई। 1999 में उन्होंने आम चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ बेल्लारी संसदीय क्षेत्र कर्नाटक से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गई। साल 2000 में वो फिर से राज्यसभा में पहुंची और सूचना प्रसारण मंत्री रही। वह मई सन 2004 तक सरकार में रही। ब्यूरो रिपोर्ट आप तक।